हेलो जी, हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और रात को हम मेला देखकर आ गए थे मेरी फ्रेंड के घर, तो बस मॉर्निंग में उठ के निकलने ही वाले थे, यानी कि घर की ओर, यानी कि मेरे घर, क्योंकि बड़ा वाला बट्टा वहीं है। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है वो लेके आ गए हमें कोकी शेयर कराने के लिए। जी हाँ, क्योंकि घर के बिल्कुल पास में ही खेत है इसका, तो मैंने सोचा चलो कुएं की खैर मतलब शेयर कर लेते हैं और वीडियो भी शूट कर देते हैं, थोड़ा बहुत यादगिरी पड़ी रहेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फ्रेंड लोगों से मिलना होता है। ऐसे तो शादी होने के बाद कभी कभार ही मिल पाते हैं, साल भर में एक आधी बार, बाकी ऐसे नहीं मिल पाते हैं मौके, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर शूट किया। तो ये है मेरी फ्रेंड का खेत, मेरी सहेली, जो बेस्ट से बेस्ट सहेली बोल सकते हो आप, स्कूल फ्रेंड है आज से 2009 के टाइम की। और ये है इसका खेत, ससुराल का, यानी कि मायका इसका मेरे वहीं है का जो ससुराल का खेत है। यहाँ पर बड़े बड़े पौधे लगे हैं, जिसमें मैंने आपको केले दिखाए, अमरूद दिखाए, यानी कि जम्पर, और कुआ है जिसमें पानी भरा है। देख के ऐसी इच्छा हो कि नहा लूँ मैं कूद के, क्योंकि मुझे तैरना आता है, लेकिन ठंडी का मौसम है तो फिर नहीं हो पाया। और यहाँ पर जम्पर यानी कि अमरूद भी थोड़े थोड़े पकने आए हैं। तो ये जो भाभी है, यानी कि मेरी फ्रेंड की ननन, जो मैं इनको भाभी बोलती हूँ, क्योंकि इनका ससुराल मेरे वहीं पास में ही है, तो मैं इनको भाभी बोलती हूँ। तो ये देखो, ये हमारे लिए अमरूद तोड़ रहे हैं पेड़ से, पर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो टूट नहीं रहे हैं। तो फाइनली बहुत खुशी मिली कि एक अमरूद तो चलो हालांकि टूट गया, ये देखिए, और पका हुआ है, मतलब जो तोता रहते हैं ना उन्होंने खाया हुआ है, झूठा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। तो मैं बोल रही हूँ कि पत्थर लाया, चकूला तो काट के सब खाते थे, बोल रहे नहीं हम सब तो रोज़ ही खाते, तू अकेली खा ले। तो फिर चलो मैं ही खा लेती हूँ, शुरुआत में ही कर लेती हूँ, उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पर काफ़ी सारी फसल है, लेकिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी जाने की घर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो मम्मी भी बार बार फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ जल्दी, क्योंकि मम्मी को भी खेतों में जाना रहता है इसी वजह से। और ये है मेरी फ्रेंड जो आपको मैं दिखाती हूँ, आपको यह हेलो कर रही है, ये मेरी 2009 की फ्रेंड है। तो अभी तक इतना साथ हमारा चल रहा है, तो भगवान करे बस ऐसा ही साथ हमेशा रहे। बहुत सपोर्ट करती हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा। मेरी जो फ्रेंड की देरानी जेठानी रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका नेचर अच्छा है, मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। और ये रही मेरी फ्रेंड, तो मैं आपको दिखा रही हूँ और शेयर करा रही हूँ, हालत देखो मेरी कैसी हो गई है, क्योंकि हम बस उठ के चाय पानी पी के ये जबर लेके आ गई खेतों में, बस खेतों में चलती हूँ, जो मैं खेतों की शेयर करा देती हूँ। और मुझे भी ना काफ़ी ज़्यादा शौक है ऐसे, क्योंकि मुझे वहाँ देखने को नहीं मिलता ऐसे खेत, कुएँ, फल, ताज़ा ताज़ा सब्जी। याद उसने बोला जो भी तुझे सब्ज़ी अच्छी लगे वो ले लेना, पर तू चल यहाँ से, घर से खेतों पर चल। तो मैं आपको दिखा रही हूँ फसल जो जो हमारे यहाँ पर लगी है, यही फसल हमारे खेतों में भी है। मैं आप अगर आप कमेंट करोगे कि तुम मेरे मायके का खेत भी आपको देखना है, तो मैं उसको भी आप ज़रूर दिखाऊँगी एक दिन वीडियो में। और ये है लहसुन, और ये है आलू के पेड़ जो लहसुन के साइड में लगा रखे हैं, ये देखो मैं दिखा रही हूँ, हालांकि मुझे भी नहीं पता इतना, मैं भी पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी इतना खेती बाड़ी का नॉलेज नहीं है। और साइडों में मूली, धनिया, मटर, हालांकि मटर अभी नहीं लगे हैं, पालक वगैरह, और पूरे खेत में लहसुन और क्या बोलते हैं चने, मेथी, यही कुछ बो रखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इतना अच्छा ये लगा कि यहाँ अमरूद का पेड़ है और केले का पेड़ है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। काफ़ी सारे अमरूद तो हमने यहीं खा लिए, लेकिन ये और तोड़े जा रहे हैं, बोल रहे घर ले जाओ, वहाँ खाते रहना एक दो दिन, क्योंकि मेरे वहाँ खेत में नहीं है शायद अमरूद के पेड़। और हमने काफ़ी सारा यहाँ पर एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मतलब मैंने तो इन्जॉय किया, लेकिन आपको भी सोचा चलो हमारे यहाँ के खेत की शेयर करा देती हूँ कि कैसे क्या खेत है। लेकिन हालाँकि जो सिटी में रहते हैं उनको तो खेत का माहौल बहुत कम देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा छोटा बनाया था। तो
इस वीडियो को यहीं लेते हैं, अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बताना मुझे कि आपको विलेज में किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो मैं वही टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।